नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सोनू। स्वागत करता हूं हम आपके अपने चैनल पीवीआर स्टडी पे। जैसा कि हम जो है कंटिन्यू कर रहे थे अपनी क्लास को साइंस की। साइंस में अब तक हमने जो चीज़ें देखा ब्लड्स के बारे में, हमारा पहला टॉपिक चल रहा था ब्लड्स, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा चल रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड्स। आवाज़ें आ रही हैं आप लोगों को, मुझे लगता है बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा शोर हो रहा है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो क्या हम चला रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा पहला ऑर्गन था ब्लड। ब्लड्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ब्लड्स के टाइप्स पढ़े हैं, ब्लड्स के प्रकार पढ़े हैं, ठीक है, ब्लड्स के कंपोनेंट्स पढ़े हैं। तो ब्लड्स के कितने टाइप, ब्लड्स में क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं भाई, प्लाज्मा होती है और ब्लड सेल्स होती है। दो पार्ट्स होता है, एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड होता है। लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं और सॉलिड पार्ट को हम लोग ब्लड सेल्स के नाम जानते हैं। ब्लड सेल्स में अब तक हम लोगों ने RBC पहली सेल्स होती है, दूसरी सेल्स का नाम होता है WBC और तीसरी का नाम होता है PL यानी प्लेटलेट्स, ठीक है। हमने क्या भाई पढ़ा, RBC के बारे में पढ़ लिया, WBC के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा जो होगा टॉपिक प्लेटलेट्स यानी PL प्लेटलेट्स, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे ब्लड्स में। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हिंदी में किस नाम से कहते हैं, क्या नाम है भाई, बिंबाणु। क्या कहते हैं उसको, बिंबाणु। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु, अनदर नेम नोन एज द प्लेटलेट्स कॉल्ड एज द थ्रम्बोसाइट्स। किस नाम से जाना जाता है प्लेटलेट्स को, अलग नाम से प्लेटलेट्स को, थ्रम्बोसाइट्स। हो सकता है क्वेश्चन आपसे CGL में या मैंने अभी देखा था कि पूछा गया था कि थ्रम्बोसाइट्स किस ब्लड सेल्स का नाम होता है, थ्रम्बोसाइट्स किस ब्लड सेल्स का नाम होता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए थे थ्रम्बोसाइट्स के बारे में दिया गया था भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया था हमारा RBC, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया था WBC, थर्ड ऑप्शन में दिया गया था प्लेटलेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया गया था नन ऑफ दीज। तो क्या करेक्ट होगा हमारा, क्या नाम है इसका, प्लेटलेट्स का अलग नाम क्या होता भाई, थ्रम्बोसाइट्स, ठीक। मुझे लगता है आपको चीज़ें अच्छी से क्लियर हो गई होंगी, ठीक। तो सीधे डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। प्लेटलेट्स आज हम देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो पहले हम देख लेते भाई प्लेटलेट्स की क्वांटिटी, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ए ह्यूमन बॉडीज। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, सबसे पहला हमारा यही होता है प्लेटलेट्स कितनी होती है, 4 to 5 and 5 to 5 यही क्या होती है हमारी, 4 to 5 लाख होती है, यानी लाख किस में होती है भाई, 100 ml Hb। Hb का मतलब हीमोग्लोबिन होता है, ml का मतलब आप समझ रहे हैं एक क्या होता है, मेजरमेंट होता है, ठीक है। यानी 1000 की है, 1000 नहीं 100 ml, 100 ml में कितने होती है भाई, कितने होती हैं, 4 से लेके 5.5 लाख तक। किस में होती भाई ये, मेल या फीमेल दोनों में, ठीक, मेल और फीमेल बोथ, ठीक है। कितनी होती है, 4 से लेके 5.5 लाख तक। क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अभी एक चीज़ और हम आपको बता दें भाई, अब हमने क्या क्या सीख लिया है, आर बी सी WBC and PL, PL का मतलब प्लेटलेट। तो ये किस में होती है, मिलियंस, m फॉर मिलियंस। ये किस में होती है, थाउजेंड्स, और ये किस में होती है, लाख, ठीक। समझ में आया। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, अब ये आप चीज़ जान लीजिए, ब्लड में आर बी सी सबसे कम होगी, क्योंकि ये क्या होती है भाई, मिलियंस में होती है। इसके बाद PL प्लेटलेट्स होती है, देन इसके बाद क्या होती है भाई, WBC। ये क्या है, क्वांटिटी। आप समझे, आप क्वांटिटी का मतलब क्या कह रहे हैं, संख्या। साइज की बात कर लेते हैं हम लोग, साइज में जो सेल सबसे बड़ी होती है वो सबसे कम हो जाती है। साइज में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, WBC देन सबसे ज़्यादा WBC होती है, प्लेटलेट्स और फिर क्या होती है, RBC।
ठीक, ये साइज में होता है सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक। क्वांटिटीज के बारे में आप लोग लिख लिए होंगे, मुझे लगता है लिख लीजिएगा सब लोग। आगे हम लोग आते हैं इसका निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। कहाँ फॉर्मेशन होता है इसका? बोन मैरो में, बोन मैरो में। बोन मैरो का मतलब क्या होता है? अस्थि मज्जा। कहाँ पर बनती है भाई? अस्थि मज्जा में, ठीक है। प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने किसके किसके बारे में जाना? WRBC के बारे में जाना। RBC कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। WBC भी कहाँ बनती है? बोन मैरो में। और प्लेटलेट भी कहाँ बनती है? बोन मैरो में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या होता भाई? लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? जीवन काल, जीवन काल कितने से कितने दिन होती है? 8 से लेकर 10 डेज, ठीक। 8 से लेकर 10 डेज। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है? 8 से लेकर 10 दिन तक। CGL या जो भी छोटी परीक्षाएं होती हैं NTPC और ग्रुप डी में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाएगा कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना दिन होता है। तो ऑप्शन में आपके दिए जा सकते हैं 8 to 10 दिया जा सकता है, 8 to 12 दिया जा सकता है, 6 to 8 दिया जा सकता है, या 12 to 14 दिया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 8 to 10 डे। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? रीजनरेशन की क्षमता होती है। रीजनरेशन किसमें किसमें होती है भाई? WBC और प्लेटलेट्स में क्या होती है? रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण की क्षमता। रीजनरेशन यानी पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण की क्षमता, ठीक है। रीजनरेशन, ठीक है, किसकी होती है? प्लेटलेट्स में क्या होती है? रीजनरेशन। अगला पॉइंट होता है प्लेटलेट्स में क्या नहीं होता भाई? केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक, केंद्रक नहीं होता है। हमने क्या बताया? समझ में आया चीज़ें? चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। प्लेटलेट में केंद्रक नहीं होता। फिर वही कन्फ्यूजन कि सर ये केंद्रक क्या आ रहा है बार बार? केंद्रक क्या होता है? सेल्स का एक आर्गन होता है भाइयों, मतलब ठीक है, जैसे हमारी बॉडीज के आर्गन होते हैं वैसे सेल्स में एक ऑर्गन होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। तो किसमें किसमें केंद्रक नहीं होता है? WBC और प्लेटलेट्स में केंद्रक बिल्कुल ही नहीं होता है। किसमें केंद्रक होता है? RBC में। ये क्लियर होना चाहिए आपको। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जा सकता है, ठीक। अब प्लेटलेट्स के बारे में हमने अब तक क्या देख लिया? लाइफ स्पैन देखा इसका, कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, कैसी इसकी कैपेसिटी होती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी देख लिया। अब आता है भाई प्लेटलेट्स के काम, वर्क ऑफ प्लेटलेट्स। वर्क, प्लेटलेट्स के वर्क क्या काम करता है? प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में सबसे बड़ा काम क्या करता है भाई? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये क्लॉटिंग शब्द क्या होता है? थक्का जमना। थक्का जमने का मतलब क्या हो गया? ये सब चीज़ें समझ लेनी चाहिए। थक्का जमने का मतलब होता है कोई लिक्विड जो है फ्लो कर रहा उसको जाम कर दिया जाए, मतलब रोक दिया जाए, ठीक है, डाइवर्ट कर दिया जाए। डाइवर्ट का मतलब नहीं, मतलब रोक दिया जाए, बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया जाए। इसका क्या मतलब होता भाई? कैसे? ये होती है हमारी ब्लड वेसल्स, ये ऐसे ऐसे होती है हमारी ब्लड वेसल्स, इसमें ऐसे ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। और पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडीज में ये क्या होती हैं? पूरी फैली हुई होती है। थोड़ा सा हम कहीं इंजर्ड होते हैं या कट पीट जाता है या चोट लग जाता है ऐसे, फिर ये ब्लड फ्लो कहाँ होने लगता है? बाहर की तरफ, ठीक है। अगर ये ब्लड फ्लो नहीं रुका तो कैसे रोक जा सकता है? तो ये क्या होती है भाई? नेचुरली हमारे ब्लड्स की एक केमिकल फीचर्स होता है जो क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? ब्लड्स को यहाँ ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ये रास्ता हो जाएगा बंद, फिर ये पुनः ब्लड जो है अपने रास्ते में अपने ही वे पे सर्कुलेट करता हुआ जाएगा, ठीक है। ब्लड जो है 24 आवर सर्कुलेट करता है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में।
फिर ऐसे ही ये सर्कुलेट करता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ? एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि बिल्कुल बोरिंग क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चीज़ों को देखिए और उसको सुनिए और समझिए, मे बी शायद कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए जो आपको ना पता हो और इस वीडियो के माध्यम से आपको उसकी जानकारी हो जाए। बात आपको स्पष्ट हो गई? ठीक है, थक्का जमता है। और क्या होता भाई इसमें? कैल्शियम। ठीक है, किसमें? कैल्शियम का फॉर्मेशन करता है किसमें? ब्लड में। कौन करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, कैल्शियम बनाता है। ठीक है, दूसरा वर्ड वर्क हो गया। क्लॉटिंग में हेल्प कौन कौन करता है? विटामिन के, विटामिन के। क्या नाम होता है विटामिन के का? केमिकल नेम क्या है बता सकते हो? क्या नाम होता है? फ्यूलोक्विनोन, फ्यूलोक्विनोन। ये हिंदी मीडियम वाले पूछेंगे सर फ्यूलोक्विनोन क्या होता है, तो ऐसा ही लिख लीजिए आप लोग फ्यूलोक्विनोन। सारे विटामिन के बारे में आपको बताया जाएगा, क्यू नोन। ठीक, जब आपको विटामिन की चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो विटामिन की सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया। फ्यूलोक्विनोन्स ये क्या है? क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लें। प्रोटीन क्या क्या, कौन कौन सा प्रोटीन हेल्प करता भाई? नंबर एक में होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। ओके, दूसरे बात क्या होता भाई? दूसरा नंबर, दूसरा का कौन होला हो? प्रोथ्रोम्बिन ना, प्रोथ्रोम्बिन। कितने प्रोटीन्स होते हैं ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ऐसा ही। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। और कौन सा होता भाई? ग्लोबुलिन्स होता है, थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिन होता है, फाइब्रोनोजिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। और अगला क्या भाई? फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोजिन। अगला कौन सा होता है? फाइब्रिन। लास्ट क्या है? एल्ब्यूमिन। यही जो है अंडे में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है अंडे में? एल्ब्यूमिन। ठीक, तो कौन कौन सी चीज़ें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है? कैल्शियम, विटामिन के, प्रोटीन्स होते हैं कुछ, प्रोटीन के नाम हमने लिखे हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? पहले नंबर पे थ्रोम्बिन होता है, दूसरे पे प्रोथ्रोम्बिन, तीसरे पे ग्लोबुलिन, तीसरे पे फाइब्रिन, फाइब्रोनोजिन, चौथे पे फाइब्रिन और पाँचवें पे एल्ब्यूमिन। थोड़ा बहुत इसका भी रोल होता है। कौन सा प्रोटीन जो है अंडे में पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ लिया जाएगा आपसे, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, CGL या NTPC या ग्रुप डी में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको लिखने वाली चीज़ है, अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? फटाफट बताइए, एल्ब्यूमिन। ठीक, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। किस प्रोटीन की वजह से रुधिर का थक्का नहीं बनता जमता है? ये तो हो गए भाई क्लोटिंग वाले, नॉट क्लोटिंग। ये क्लियर होगा, सब लिख लिए? रुधिर का थक्का नहीं जमता है, किससे नहीं जमता है? थक्का नहीं जमता है, जमता है किससे नहीं जमता भाई? क्या कैसे? हीपायरिन। हीपायरिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो बिल्कुल ही रुधिर, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा हमारे ब्लड्स में तो बिल्कुल भी हमारा ब्लड क्लोट नहीं करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है? हीपायरिन, जिसको कहते हैं हीपायरिन, की वजह से हमारी ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होता भाई? अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो ब्लड क्लोटिंग नहीं करेगा और हमारा ब्लड फ्लो होते हुए चला जाएगा, फिर आदमी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। एक होता है आर्टिफिशियल प्रोटीन, आर्टिफिशियल क्या कहते हैं हम उसको? हिस्टिडरीन प्रोटीन। ये नाम है भाई प्रोटीन का, हिस्टिडरीन प्रोटीन। ये आर्टिफिशियल है, किससे बनाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ हीरो ड्यूरिन
ये हीरोइन क्या होती है भाई? जोंक, जानते हैं जोंक आप लोग क्या होती है? जोंक जानते हैं? ये ज़्यादातर ये मैरीन एक एनिमल होता है जो सक करता है। क्या सक करता है? ब्लड को। किसके ब्लड को सक करता है? किसी को भी पा जाएगा, हमारे ब्लड हमें पा जाएगा तो हमारे ब्लड को भी सक कर लेगा और एनिमल्स के ब्लड को भी सक करता है। तो मोस्टली ये किसके ब्लड को सक करता है? एनिमल्स के। एनिमल्स में कौन से एनिमल्स? बफैलो, जो कि पानी में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, उनके ब्लड को ये सक करता है। कोई भी एनिमल्स जो पानी में रहेगा, ठीक है, वाटर लिविंग एनिमल्स होंगे, उनके ब्लड्स को ये सक करेगा। कैसे एनिमल्स? बड़े एनिमल्स को। ऐसा नहीं कि मेंढक के ब्लड को ये सक करेगा, कभी नहीं, ठीक है। कछुए के ब्लड को नहीं सक कर सकता है, ठीक। चीज़ें क्लियर हुई आपको? ऐसे एनिमल्स के ब्लड को सक करेगा जिसकी स्किन क्या कैसी होती है? बिल्कुल कैसी होती है भाई? सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट का मतलब मुलायम होती है, ठीक। क्लियर हुई यहाँ तक आपको? तो हमने वर्क देख लिया किसके? प्लेटलेट्स के, ठीक। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स के वर्क क्या होते हैं, ठीक। ये चीज़ें हम लोग देख लिया, प्लेटलेट्स के कितने नाम होते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा होगा प्लेटलेट्स के कमी से होने वाली डिजीजें। कौन से डिजीजें होती हैं? प्लेटलेट्स की कमी से होने वाली बीमारियाँ, ठीक। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राजकुमार सर 10 दिन पहले का पानी पी रहे हैं आज। आप लोग ज़रूर पूछिएगा इस पानी के बारे में कि वो पानी आपको दिखाया जाए वीडियो में, ठीक है। ये कुछ हैबिट है हमारे सर की, 10 दिन पहले का पानी पी सकते हैं, 3 दिन पहले की रोटी खा सकते हैं। पूछिएगा आप लोग जितने भी PBR के सब्सक्राइबर हैं, ठीक। लैक ऑफ PL प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारियां होती है? डिजीजेज, डिजीज के मतलब बीमारियां, बीमारियां, ठीक है। इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, आइए हम देख लेते भाई। अगर हमारे ब्लड शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो थक्का नहीं बनेगा। सबसे पहले पहली चीज़ क्या होती है? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ब्लड क्लॉट, क्लोटिंग नहीं होगा। समझ में आया आपको? क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, मतलब थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। अधिकता होने की वजह से क्या होता है भाई? एक इतनी खतरनाक बीमारी होती है, कमी की वजह से क्या होती है? क्लोटिंग नहीं होती है। क्वेश्चन अगर आपसे यही पूछ लिया जाएगा तो हमारे शरीर का जो है ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा, थक्का नहीं बन रहा, किसकी वजह से? तो आप सीधे सीधे ऑप्शन में मारेंगे, प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। अधिक हो जाना क्या होता भाई? अधिक अगर होगा तब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है तो एक इसका नाम होता, एक होता है थ्रम्बोब्लास्टिक। थ्रम्बोब्लास्टिक एक बीमारी होती है, थ्रम्बोब्लास्टिक एक डिजीज होती है, थ्रम्बोब्लास्टिक। इसका मेन वजह क्या होता है? काम क्या होता है? थ्रम्बोब्लास्टिक का मतलब क्या होता भाई? हमारी जो बॉडीज में क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है ना, अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स में ही क्या होता है? ब्लड वेसल्स में ही क्या होता है? ब्लड जो है क्या होता है भाई? क्लोट हो जाता है। क्लोट हो जाना मतलब जम जाता है, किसके वजह से? थ्रम्बोब्लास्टिक। हिंदी में मीडियम वाले लिख लें भाई इसको, थ्रम्बोब्लास्टिक, ठीक। हिंदी मीडियम वाले, थ्रम्बोब्लास्टिक, ठीक। किसकी वजह से? अगर प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाएगी तो थ्रम्बोब्लास्टिक नामक डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड कहाँ पर क्लोट हो जाता है? हमारी आर्टरीज और वेंस में ही, यानी ब्लड वेसल्स में ही क्लोट हो जाता है, यानी जम जाता है। और ब्लड अगर जम जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सॉरी, मेरा फ़ोन रिंग हो रहा था, एक सेकंड, मैं इसको साइलेंट भी कर देता हूँ। ओके, ठीक, हमने बता दिया ना। और इसके अंदर से और एक क्या होती है? हीमोफीलिया। इसकी कमी की वजह से क्या हो जाती है? हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया के बारे में बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है भाई? ये आनुवांशिक रोग होता है, आनुवांशिक डिजीज होती है, आनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? शाही बीमारी भी कहते हैं, शाही बीमारी,
शाही बीमारी। शाही बीमारी का मतलब क्या होता भाई? जो खानदानी हो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलती रहे। कौन सी होती है? हीमोफेलिया, ठीक है, प्लेटलेट्स की। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं होता, प्लेटलेट्स का बनना कम हो जाता है, प्लेटलेट्स का बनना बिल्कुल ही कम हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे तरह जान लिया कि प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है, प्लेटलेट्स के वर्क क्या होते हैं, कितने टाइप्स की प्लेटलेट्स होते हैं और इनके फंक्शन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज जो है प्लेटलेट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप। अब हम लोगों ने ब्लड के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा और हम चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी चीज़ें, जिस भी चीज़ों को लेकर आपको कन्फ्यूजन होंगी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक के रूप में हमें ज़रूर बताइएगा, हम चीज़ों को सही करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।